फतवा जारी होने के 33 साल बाद सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमले से पूरी दुनिया हैरान है। इस हमले से कई सवाल खड़े हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज से 34 साल पहले सलमान रुश्दी ने अपनी किताब में आखिर ऐसा क्या लिख दिया था कि जिसकी आग आज तक सुलग रही है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब बताने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से ही आदमी ने गलत को सही ठहराने के लिए ईश्वर का इस्तेमाल किया। ये बात लेखक सलमान रुश्दी ने अपनी किताब सैटेनिक वर्सेस में 34 साल पहले यानी 1988 में लिखी थी। इस किताब की वजह से सलमान रुश्दी पर पैगंबर की बेअदबी के आरोप लगे। 1989 में ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता आयातुल्ला ने रुश्दी के खिलाफ मौत का फतवा जारी कर दिया था। इस फतवे के जारी होने के 33 साल बाद शुक्रवार को अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। सैटेनिक वर्सेस उपन्यास का हिंदी में मतलब शैतानी आयतें हैं। इस किताब के नाम पर ही मुस्लिम धर्म के लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई थी। सलमान रुश्दी के चौथे नॉवल सैटेनिक वर्सेस ने तो बवाल ही मचा दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नॉवल का विषय इस्लाम धर्म के खिलाफ है। आरोप है कि उन्होंने अपनी इस किताब में पैगंबर मोहम्मद को झूठा पाखंडी कहा है, जबकि उनकी 12 बीवियों के खिलाफ भी आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए हैं। रुश्दी खुद को गैर मुस्लिम और नास्तिक भी बताते हैं। उनके इस नॉवल के चलते उन्हें 1988 के बाद से ही जान से मारने की धमकियां मिलनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद उनकी भारत वापसी मुश्किल हो गई। भारत ही पहला देश था जिसने इस किताब पर बैन लगाया था। उस वक्त देश में राजीव गांधी की सरकार थी। इसके बाद पाकिस्तान और कई अन्य इस्लामी देशों ने इसे प्रतिबंधित कर दिया। इस किताब को लेकर मुंबई में मुसलमानों ने बड़ा विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें 12 लोग मारे गए थे और 40 से ज्यादा घायल हुए थे। सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया भर में इस किताब को लेकर कई हिंसक प्रदर्शन हुए, जिसमें 59 लोगों ने अपनी जान गंवाई। ईरान की इस्लामी क्रांति के नेता ने उनके खिलाफ 1989 में मौत का फतवा जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने कई सालों तक छिपकर अपनी जिंदगी बिताई। लेकिन अब जब उन पर ये जानलेवा हमला हुआ तो सवाल उठने लगे हैं कि क्या इसी पुरानी दुश्मनी की वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। इस वीडियो पर क्या है आपकी राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल TV9 भारतवर्ष।